अरे वाह, नमन देख तेरी चाची ने क्या भेजा है, जल्दी आ। क्या हुआ? ये देख, फ्री में फोन मिल रहे हैं। यार माँ, ये सब स्कैम होता है, फ्रॉड होता है। ये कौन बांट रहा है इसे फ्री में फोन? एक तो ना आपकी उम्र के लोगों का मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता। पता है ये स्कैमर्स ना तभी आप लोगों को टारगेट करते हैं। अरे मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था, वैसे इतने बेवकूफ भी नहीं है हम लोग। हाँ हाँ मेरी समझदार माँ, आजकल के टाइम पे ना थोड़ा अवेयर रहना जरूरी है, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है ठीक है। अच्छा वो तूने मूवर्स एंड पैकर्स को बोल दिया है ना, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, पता भी नहीं चलेगा कब टाइम निकल जाएगा। 1 महीने में बेंगलोर शिफ्ट होना है। 1 महीना है मेरी माँ, मैं कर लूंगा बात। आप प्लीज चिल करो, तब तक आपने काम करो, फ्री फोन्स देखो, मैं आता हूँ। ओके ओके बाय। हेलो। मीना जी नमस्ते, मैं राशन वाली दुकान से नरेश बोल रहा हूँ। नमस्ते नरेश जी, पर ये तो आपका नंबर नहीं है। मेरा पुराना फोन चोरी हो गया है। ओहो बहुत बुरा हुआ ये तो। बस इस महीने की पेमेंट आप पुराने नंबर पर नहीं, इस नंबर पर कर दीजिएगा, और इस वाले नंबर को ना सेव कर लीजिएगा। ठीक है, मैं इस नंबर को सेव करके ना अभी पेमेंट कर देती हूँ। ठीक है, नमस्ते। नमन, तेरा दिन कैसा रहा आज? भाई सेम बोरिंग। चल कोई नहीं, अब बेंगलोर शिफ्ट हो जाएंगे ना तो तुझे चेंज हो जाएगा। अरे माँ माहौल ही तो चेंज होगा, काम तो वही रहना है मेरा बोरिंग सा। ये तो है। आप बताओ आपने क्या किया आज पूरा दिन? आज मैंने बहुत सारी पैकिंग कर ली, और वो जो हमारा किराने वाला है ना नरेश, हाँ, उसका फोन आया था कि उसका फोन चोरी हो गया। फिर उसने मुझे अपना नया नंबर दिया और कहा कि उस नंबर पे मैं पेमेंट कर दूँ, सो मैंने ऑनलाइन पेमेंट कर दी। पर पता नहीं आज उसका लड़का अभी तक क्यों नहीं आया राशन लेकर। माँ आप कैसे इतना समझाने के बाद भी बेवकूफ बन सकते हो? क्यों, आपको दिख नहीं रहा ये कितनी बनाई हुई कहानी है? यार आपने बिना अता पता पूछे उसे पैसे ट्रांसफर कर दिए, पैसा पेड़ पे उगता है क्या? अब मुझे ये थोड़ी पता था कि ऐसे भी हो सकता है। इसलिए ना, इसलिए आप लोगों के पास स्मार्टफोन्स होने नहीं चाहिए। ले आए सामान? जी मैडम। ठीक है, वो मैंने नरेश जी को ऑनलाइन पेमेंट कर दिया था, उन्हें मिल गया ना? जी मिल गया। ठीक है, शुक्र है पेमेंट क्लियर हो गई। बेटा हर चीज स्कैम नहीं होती। हाँ मतलब ठीक है, वैसे ना मैंने ये सारा फर्नीचर ऑनलाइन लिस्ट कर दिया है बेचने के लिए, वहाँ थोड़ा इजी हो जाता है बेचना। हाँ पर तू तो कहते है ना ऑनलाइन बहुत फ्रॉड्स होते हैं। अरे वो तो आपके लिए माँ, मेरे लिए थोड़ी, मेरे साथ थोड़ी कोई फ्रॉड करेगा। ठीक है ठीक है, पर बेटा जी बहुत सस्ते में मत बेच देना। नहीं मैंने तो ना सारा फर्नीचर फ्री में लिस्ट कर दिया है। हेलो। हेलो नमन जी बात कर रहे हैं? हाँ जी। वो मैंने आपका ऑनलाइन फर्नीचर देखा था, मुझे तो काफी पसंद आया, तो उसी के बारे में बात करनी थी आपसे। हाँ हाँ सर, तो आज मैं घर पे हूँ, आप आ जाए कल में आके देख लीजिए। नहीं नहीं आने वाने का रहने दीजिए, फोटो में सही लग रहा था मुझे, बस आप थोड़ा पैसों का देख लीजिए। 60,000 है, अगर 50,000 में डन कर देते तो मैं आपको आधे पैसे अभी भेज देता। सर मैंने ना बहुत रीजनेबल प्राइस डाला हुआ है, मैं आपके लिए मैक्सिमम 55 कर सकता हूँ। चलिए एक काम करते हैं, 55 में डन करते हैं। इतना अच्छा फर्नीचर है ना, मैं अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता हूँ। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे, आप इसी नंबर पे कर दीजिए पेमेंट। मैं आपको एक काम करता हूँ, अपना आधार कार्ड वगैरह भेज देता हूँ ताकि आपको तसल्ली हो जाए। सर ये आधार कार्ड, आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी पेमेंट। हाँ ये आ गया, बट इसकी, हाँ हाँ तो उस लिंक पे क्लिक कर दीजिए। आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे और आपको सीधा बैंक में ट्रांसफर हो जाएगा पैसा। सर लिंक पे क्लिक मैं समझा नहीं, मतलब लिंक की क्या जरूरत इसके लिए? अरे देखिए आजकल ऐसा है ना, बैंक वालों ने ना सिक्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ा दी है, तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा ना। आप इतना परेशान मत होइए, मैं तो आपको आधार कार्ड भेज दिया। आप क्यों परेशान हो रहे हैं, तो आपको तसल्ली हो जानी चाहिए।
आप बस जल्दी से लिंक पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम होता नहीं है, बस 160 सेकंड का ही टाइम होता है। एक मिनट सर, सांस लीजिए, मैं देख रहा हूँ लिंक। कर दिया आपने क्लिक? अरे भाई साहब, एक मिनट ना। शिट। हेलो हेलो हेलो, नमन क्या बात है, आज ऑफिस नहीं जाना? यार मैं जाओ अभी आप प्लीज, मैं बाद में आता हूँ। क्या हो गया इसे? हेलो सर, उसका हुआ कुछ? सर देखिए माँ, मेरे को नहीं खाना प्लीज। क्यों, क्या बात है? अरे नहीं मन यार, आप खा लो। तूने आज लंच भी नहीं किया और अब तू रात का खाना भी मना कर रहा है, किस बात की टेंशन है तुझे? माँ काम का थोड़ा प्रेशर है। अब जो होना था वो तो हो गया, 27,000 रुपए ही गए हैं ना, कोई बात नहीं फिर आ जाएंगे, किस बात की टेंशन ले रहा तू? हाँ आपको कैसे पता लगा? जब जॉइंट अकाउंट से पैसे ट्रांसफर होंगे तो पता तो चल ही जाएगा, स्मार्टफोन ने इतना स्मार्ट तो हमें बना ही दिया है। स्मार्ट तो आप निकले, बेवकूफ तो मैं बन गया ना। I'm sorry. पर ये तो किसी के साथ भी हो सकता था। सॉरी उसलिए नहीं माँ, सॉरी इसलिए क्योंकि मैं हमेशा आपको बोलता रहता था कि आपकी उम्र के लोगों के साथ फ्रॉड होते हैं, आप लोग स्कैम में फंसते हो, और मुझे देखो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड होने के बाद भी मैं आज खुद स्कैम में फंस गया। अब बेटा उम्र का किसी स्कैम या फ्रॉड के साथ क्या लेना देना है, जरूरत इस बात की है कि हम सब अलर्ट रहे। और तुझे पता है मैंने ना ऑलरेडी साइबर क्राइम सेल में कंप्लेंट लॉन्च कर दी है। आप तो स्मार्टफोन से भी ज्यादा स्मार्ट निकले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपके साथ भी कोई स्कैम या फ्रॉड हुआ है तो अपनी कहानी कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, प्लीज सब्सक्राइब एंड फॉलो अस ऑन ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। वी पोस्ट रियली फनी एंड ह्यूमरस रील्स ऑन इंस्टाग्राम एवरी डे, गो चेक आवर रील्स आउट एंड प्लीज प्लीज फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू।